हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल हाइक्स। आज जो है क्लास 10 चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, दैट इज़ क्या हार्मोन्स इन एनिमल्स किए थे, उसके रिलेटेड क्या है सारे एमसीक्यूज आज देखने वाले हैं। इसके बाहर कोई भी जो हम एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे उसके बाहर से एक भी एमसीक्यू आज आने वाला नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, हाफ ईयरली में जो भी हो। सुन, मैं तो सारे के सारे एमसीक्यूज देखते हैं कौन से हैं। पहला एमसीक्यू क्या है, दैट इज विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है यार, प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है? दो चीज़ें हैं तुम्हारे प्रोसेस करने के लिए, दैट इज एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या है? प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है? ब्रेन। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बच्चों? मार्क कर देते हैं ना, इसका सही आंसर रहेगा बी। ठीक है, पता चला। नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज सेकेंड एमसीक्यू। इसमें क्या है, विच टाइप ऑफ नर्व कैरी इंपल्स। क्वेश्चन पूरा पढ़िए, क्वेश्चन पूरा क्या लिखा है, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरीज इंपल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, कैरी करके लेके जा रहा है, कैरी करके लेके जा रहा है, कैरी करके लेके जाने में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन रहेगा, कुछ ज्यादा दिमाग में क्या नहीं है। तो सही आंसर क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? कैरी करके इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, दैट इज थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू में क्या दिया है? थर्ड एमसीक्यू, दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? ऑप्शन देखिए, न्यूरॉन, बी एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनेप्स। सीधी सी बात है, न्यूरॉन। ठीक है, बाकी के जो लिखे हुए हैं ना, दैट इज एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनेप्स, ये सब चीजें क्या है, ये सब न्यूरॉन्स के ही पार्ट है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन क्या है, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, ये है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, दैट इज क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? छोटे छोटे चैनल के पैकेट होते हैं, क्या करते हैं, एक साइनएप से दूसरे साइनएप पे जाते हैं और क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसमिटिंग इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। ठीक है, सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया, बाकी हमने के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बाकी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है क्या किसी को? क्या जरूरत पड़ रही है, देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग न्यूरॉन्स फ्रॉम डैमेज, न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाने का तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर क्रिएट जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये भी काम न्यूरॉन का है नहीं। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो न्यूरॉन, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सीधी सी बात है, ट्रांसमिशन कराता। फिर क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द माइलिन शीट न्यूरॉन्स। माइलिन शीट क्या करता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और जिस ह्यूमन में माइलिन शीट ज्यादा होता है वो इंसान उतना ज्यादा होशियार होता है, उतना ज्यादा उसकी ब्रेन की प्रोसेसिंग होती है। समझ में? टीचर ने उसको क्वेश्चन पूछा, उसका झट से उसका आंसर आ गया। क्यों आ जाता है? क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में अच्छे खासे न्यूरॉन्स में माइलिन शीट का कवर होता है, धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन पासिस होते रहती है बहुत तेजी से। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, टू ट्रांसमिट इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स, नहीं साइनेप्स का नहीं है, ये क्या होता है, एक्सॉन पे। ठीक है, जो सेल की बॉडी होती है उसके ऊपर लगे रहते हैं। ठीक है, टू इंसुलेट द एक्सॉन एंड स्पीड अप द इम्पल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सही आंसर क्या है, बी वाला है। ठीक है, सी और डी पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ी, पढ़ना हो तो तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा क्या है, रिफ्लेक्स आर। रिफ्लेक्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्स के बारे में बताओ, क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, मतलब ऐसे एक्शन जिसमें ब्रेन का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिना सोचे समझे रिएक्शन आता है। तुमने गर्म चाय के कितली को हाथ लगाया, अचानक से क्या हुआ, हाथ पीछे आ गया, ये क्या है, रिफ्लेक्स। दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ में? तो देखते हैं क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन। नहीं, वॉलेंट्री एक्शन नहीं होता। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो तुम कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, समझ में आया? तो सही ऑप्शन क्या है, बी है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही सारी इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है, जैसे ही तुमने छुआ, जितने देर में अगर ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची ना, उतने में तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, समझ में आया? तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, बिना ब्रेन को पहुंचा हुए। बाकी का हार्मोन पढ़ना हो तो पढ़ लेना है एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो क्या है, टाइपिंग अ कीबोर्ड, पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम हॉट सरफेस, वॉकिंग, स्पीकिंग। अभी अभी मैंने बताया, पुलिंग योर हैंड फ्रॉम हॉट सरफेस पे, सही आंसर क्या है, बी है। ठीक है, अगला, दैट इज द पाथ टेकन बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज, कौन से पाथ से जाता है, कुछ पता है?
एक पाथ बनता है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन क्या आता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन होता है जो सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और क्या करता है उसके लास्ट में क्या करता है, जो मोटर न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, सारा इंफॉर्मेशन मसल्स तक पहुंचाता है जब वो एक्शन होता है। तो ये सारा जो न्यूरॉन, तीन तीन न्यूरॉन का जो कॉम्बिनेशन से जो एक्शन बना, जो बना ना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, द नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला क्या, इन अ रिफ्लेक्स आर्क द रोल ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर इज। ठीक है, रोल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होगा रिफ्लेक्स आर्क में, सोचो। ऑब्वियस सी बात है, इन्फॉर्मेशन को लेके जाना, दैट इज सेंस, जो भी इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन भेज रहा है ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, वो सारा इन्फॉर्मेशन लेके जाने का काम किसका रहेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर का। तो देखते हैं, ट्रांसमिट इम्पल्स डायरेक्टली टू द मसल, डायरेक्टली मसल को नहीं, डायरेक्टली मसल को नहीं करता है, वो कहाँ लेके जाएगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से वो मसल तक जाएगा। ठीक है, रिले इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सही आंसर आ गया क्या, रिले इन्फॉर्मेशन, रिले न्यूरॉन मैंने बताया ना स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में ये जो रिले न्यूरॉन होता है उसी के बीच में क्या रहेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करेंगे, अपना एक्शन प्लेस करेंगे, समझा, ये काम होता है। बाकी का क्या है, सी और डी, जनरेट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, नहीं ये काम नहीं होता रिफ्लेक्स आर्क में न्यूरो ट्रांसमीटर का, सेंड इम्पल्स टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग, ब्रेन तक तो पहुंचता ही नहीं प्रोसेसिंग के लिए, स्पाइनल कॉर्ड में ही काम हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन आर टिपिकली क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन फास्ट होते हैं और क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, कंट्रोल में नहीं आते। यहाँ क्या लिखा है, स्लो, स्लोअर देन वॉलेंट्री एक्शन, फास्टर देन वॉलेंट्री एक्शन, सही बात है, फास्टर देन वॉलेंट्री एक्शन, तुम जो नॉर्मल सोच समझ के काम कर रहे हो ना उससे तो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। ठीक है, अचानक से तुमने छुआ, अचानक से हाथ पीछे खींच लिया, इसको बोलते हैं फास्टर देन वॉलेंट्री एक्शन, कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये सब, ये दो तो इरेलीवेंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, किसी को पता है, ऑप्शन क्या है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा और पॉन्स। ठीक है, तो एक बता देता हूँ इसमें डायग्राम बना के, ठीक है देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ देख लो, ऐसा कुछ हमने पूरा ब्रेन बना दिया। ठीक है, अगर हमने ऐसा कुछ पूरा ब्रेन बना दिया, डायग्राम थोड़ा खराब हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज बना दी है पेड़ जैसे। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ अलग सा कुछ बना दिया। ठीक है, कुछ अलग सा कुछ नहीं, यही होता है पूरा ब्रेन का डायग्राम। तो ये जो पूरे इतना बड़ा जो पार्ट दिख रहा है ना, ये इधर से, ठीक है, ये इतना बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। ये जो इतना सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, पॉन्स, समझे। और इधर पे क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, समझे, ये होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा सा पार्ट क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है सबसे बड़ा पार्ट, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, सेरिब्रम। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जैसा मुझे लगा, तुम्हें बताना चाहिए तो बता दिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्वेल्थ वाला, दैट इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सोचो क्या क्या, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या काम करता है, तुम्हारा ब्रेन काम करता है, तुम्हारी आंखें काम करती है, तुम्हारे ईयर्स काम करते हैं, ईयर्स में क्या होते हैं, वेस्टिब्यूल्स होते हैं जो तुम्हारे बैलेंस बनाते हैं, आंखों से देखोगे तभी तो बैलेंस बनाओगे। एमसीक्यू देखते हैं, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, हाइपोथैलेमस, सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन, ये जो तुम देख कर रहे हो, ये जो भी है ना सारा पहुंचता है, ये बोलते हैं ना छोटा ब्रेन। ठीक है, इसको क्या मैंने नाम दिया, पेड़ जैसा था, सेरिबेलम। तो सही ऑप्शन क्या है, बी वाला। ठीक है, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स बेसिक लाइफ फंक्शन सच एज हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखना, हार्ट बीट और ब्रीदिंग कौन सपोर्ट करता है, दैट इज मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा और पॉन्स। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा और पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया है, सेरिब्रम, सेरिब्रम पे नहीं दिया है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा दिया है, दिया है। ठीक है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है, तो ये दो का बात ही नहीं हुआ,
यहाँ पे सेरिब्रम दिया हो, इसका भी बात नहीं हुआ। मैंने क्या बताया था, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, तो ऑब्वियस सी बात है पॉन्स नहीं दिया, तो सही आंसर क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होगा, पता है तुम्हें किसी को, देख लेते हैं, ठीक है। सेंसरी परसेप्शन, नहीं ये नहीं होता, ठीक है। वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट सेरिब्रम कराएगा तो बाकी की चीजें क्या करेंगे, ठीक है। बैलेंस कोऑर्डिनेशन और मेमोरी एंड लर्निंग, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन होता है सही ऑप्शन, ठीक है। डायरेक्ट याद कर लो, इसमें क्या कुछ समझने जैसा कुछ है क्या, डायरेक्ट याद करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, द हाइपोथैलेमस प्लेज अ की रोल इन, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस को पता है क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को, क्या ये सारे के सारे फंक्शंस को क्या कराता है, मास्टर है, हर चीज कंट्रोल कराता है, समझ में आया। छोटे छोटे पैकेट्स बोलेगा, मतलब स्कूल में प्रिंसिपल ऐसा बुला के बोलता है ना टीचर लोग को, ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, सेम वही चीज है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट को हाइपोथैलेमस क्या बोलता है, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ठीक है। देख लेते हैं, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर, ठीक है, कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स एक्शन, कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट, रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहला क्या है, कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कहाँ था, ये था स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा था, तो बी ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट कौन करा रहा था, ठीक है, बाकी का सेरिब्रम करा रहा था, हाइपोथैलेमस में नहीं काम करता है, ठीक है। ये क्या, न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल पर पैकिंग, मतलब जो होता है ना सिग्नल्स, वो कराता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन तो सेंसरी न्यूरॉन लेके आ रहा था, तो इसका काम हाइपोथैलेमस का नहीं है, समझ में, ऑब्वियस ही बात है, दैट इज रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर, ठीक है। ये अलग से एक पार्ट है जो हाइपोथैलेमस का काम करता है, ठीक है, ये याद रख लेना। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फील्ड लेयर कॉल्ड, फ्लूइड फील्ड लेयर का नाम क्या है पता है, देखो ब्रेन के अंदर होता है एक लेयर, लेयर के अंदर होता है पानी जैसा लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। पानी जैसा लिक्विड होता है, वो क्या करता है, शॉक एब्जॉर्वर का काम करता है। तुम्हें कभी सर पे चोट लगा तो क्या हुआ, ब्रेन जाके साइड वाले ये स्कल से टकरा सकता है ना, लेकिन टकराता तो है नहीं, क्यों नहीं टकराता, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं CSF, CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड क्या होता है, भरा रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड क्यों बोलते हैं, सेरिब्रो मतलब ये ऊपर का ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ये कहाँ जाता है, सेरिब्रम से पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक के पूरा हर चीज को कवर करके रखता है, डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। फ्लूड है तो क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड नाम दे दिया, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है, बी वाला, ठीक है। द थ्री लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज, ठीक है। तो तीन लेयर्स होते हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर, ठीक है। तीन लेयर्स होते हैं, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर, जब जब तुम आगे वाले क्लासेस में जाओगे तो ये पढ़ोगे, ठीक है। ये तीनों लेयर को साथ में एक नाम दे दिया जाता है, मेनिंजेस, क्या नाम दिया जाता है, मेनिंजेस, समझ में आया। तो सही ऑप्शन क्या है, ए मेनिंजेस, ठीक है। देख लेते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सर्व्स टू, अभी से अभी बताया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, तुम्हें शॉक एब्जॉर्बर होता है, प्रोटेक्ट करता है तुम्हारे ब्रेन को, तो सही ऑप्शन क्या है, कुशन एंड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन इंजरी, बाकी सब कुछ है क्या, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से क्या रेगुलेशन उसका, ठीक है। ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स से कुछ काम नहीं है ब्रेन का, कुछ ब्रेन से कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बस इन्वॉल्वमेंट ये है कि ब्रेन को बस बचा के रखता है, समझ में आया, किसी चीज में रोल नहीं प्ले करेगा ब्रेन को, ये नहीं बोलेगा तू ये कर ये कर ये करना ही, कुछ नहीं, ठीक है, बस प्रोटेक्ट करके रखेगा, बाकी ब्रेन अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या, क्रूशन एंड प्रोटेक्शन टू ब्रेन, ठीक है। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर द ब्रेन, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या क्या है, स्कल, ऑब्वियस सी बात है, बाहर कोई हथौड़ा मार दे तो स्कल बचा रहा है ना, मेनिंजेस, तीन लेयर, ठीक है, हथौड़ा मार दिया लेकिन अंदर धूल मिट्टी नहीं जाने देता, मेनिंजेस, तीन लेयर, पाया मेटर, ड्यूरा मेटर और एरोक्नोइड मेटर, मैंने बताया ना। उसके बाद क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में क्या प्रोटेक्टर रहता है, मैंने बताया ब्रेन कहाँ से होता है, ये स्कल से चालू होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम एक पूरा रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना, वो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके सेंटर में क्या होता है,
ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो पास होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सी ऑप्शन है। हार्ट तो इधर है, ब्रेन इधर है, लंग्स इधर है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तो स्पाइनल कॉर्ड ही वर्टिब्रल कॉलम में रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड व्हेन, ठीक है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कब इनिशिएट होगा, कोई आइडिया किसी को, कमेंट में आंसर बताना चाहेगा मेरे इस आंसर बताने से पहले, किसी को भी कुछ पता है पूरा डिटेल में, ठीक है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इसका सिंपल सा एक एमसीक्यू, इसके ऊपर तो तुम पूरा 2 पेज का आंसर लिख सकते हो कि मसल कोऑर्डिनेशन, मसल कंट्रोल कैसे निकलता है, समझ में आया, कोई देना चाहे तो दे सकता है, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पे एमसीक्यू के हिसाब से देख लेते हैं क्या है, द ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू द मसल, बस ब्रेन सेंड सिग्नल ही भेजता है क्या, आगे आगे ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूरॉन्स रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर एट द न्यूरो मस्कुलर, ठीक है, यहाँ पे एक और है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है, जंक्शन बोला जाता है, ये देखो यहाँ पे जंक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है, एमसीक्यू में शायद कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या है जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, फिर सेंसरी रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड और हॉर्मोन्स आर रिलीज इन टू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, मेरे बात करने से ही पता चल गया होगा कि सही ऑप्शन क्या है, दैट इज न्यूरोन्स रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मसल पे क्या होता है ना एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, वहाँ पे मसल और न्यूरोन्स आके अटैच होते हैं, तो ब्रेन क्या करता है धीरे धीरे सिग्नल्स भेजता है, न्यूरोन्स में क्या होता है न्यूरो ट्रांसमीटर जो सिग्नल होता है ना उसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, तो न्यूरोन क्या है ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर भेजता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे, उसके वजह से क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, जो भी मसल का एक्शन है वो इनिशिएट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर इज बी, ठीक है, तो जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर दैट, बताओ एसिटाइल कोलिन न्यू कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है, पता है, अभी मैंने बताया न्यूरॉन्स क्या करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर भेजता है, ठीक है, क्वेश्चन सारे प्रीवियस मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के रिलेटेड ही है, ठीक है, तो जो न्यूरॉन न्यूरो ट्रांसमीटर भेज रहा है ना मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट कराने वाले न्यू मतलब जो है, ठीक है, केमिकल उसको एसिटाइल कोलिन ही है, तो देखो एसिटाइल कोलिन क्या कराएगा, इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन, बाकी क्या है ट्रांसमिट पेन सिग्नल नहीं कराएगा, कॉजेस मसल रिलैक्शन, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ही कराएगा, रिलैक्सेशन कराने के लिए दूसरा हार्मोन आएगा, ठीक है, इनहिबिट मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इनिशिएट्स, समझ में आया, इनिशिएट कराएगा, ठीक है, विच इज अ नर्व इम्पल्स रीचेज द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इट ट्रिगर्स, बताओ कौन सा नर्व इम्पल्स है जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे जाएगा, अभी अभी मैंने बताया था क्या है, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, द रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स इंटू द साइनेप्टिक लेब, द अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इंटू मसल फाइबर्स, द जनरेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू ब्रेन, ठीक है, तो ये थोड़ा समझने लायक है, उसको मैं तो डायग्राम बना के तुमको समझाता हूँ, ठीक है, तो देखो समझने के लिए क्या है, व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इट ट्रिगर्स, क्या होता है, मान लेते हैं ये मसल बना दिया मैंने, या फिर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बना दिया, मसल है मसल के बीच का जंक्शन बना दिया, यहाँ पे एक साइनेप्स रहेगा, यहाँ पे भी साइनेप्स रहेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से भी मसल फाइबर्स आ रहे हैं साइनेप्स, तो क्या करते हैं साइनेप्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है साइनेप्स आ रहा है, धीरे धीरे क्या करता है ये छोटे 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 क्या करते हैं पैकेट निकालते हैं, ये पैकेट कहाँ पे जाते हैं, ये पैकेट इधर जाके एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ये पैकेट क्या होते हैं इधर जाके एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या करेंगे इस पर स्ट्राइक करेंगे और जो भी एक्शन होगा, तो इसको क्या बोल देंगे प्री साइनेप्सिस, प्री साइनेप, इसको क्या बोलते हैं पोस्ट साइनेप, पोस्ट साइनेप्स, इस जो ये खाली गैप जो बोल रहा है ना इस खाली गैप को क्या बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है द रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इंटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, होगा क्या ये साइनेप्स है सारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एक्यूमुलेट होंगे और धीरे धीरे क्या होगा एक्शन यहाँ पे इनिशिएट होगा, तो सही ऑप्शन क्या आ रहा है, बाकी सब कुछ है क्या द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इंटू द मसल, नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ये सब ब्रेन वेन का काम नहीं, ये मसल के फंक्शन में चलते रहते हैं, ब्रेन तुम्हारे को कैल्शियम नहीं दे रहा कि तुम मसल कैल्शियम एब्जॉर्ब करो, ये सब नहीं है,
ठीक है, जनरेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ये फिर ये ब्रेन का पार्ट नहीं, मतलब ये ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू द ब्रेन, ठीक है, ये भी काम नहीं है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 25वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज क्रूशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब बताओ, ठीक है, क्रूशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो अलग अलग हॉर्मोन्स, अलग अलग चीज़ें चाहिए रहती हैं, उसमें से एक चीज़ है कैल्शियम, ठीक है, बॉडी में तुम्हारे पास कैल्शियम नहीं रहेगा ना तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल बताऊं, जब बॉडी डेड हो जाती है, ठीक है, तो बॉडी डेड हो जाता है तो डेड बॉडी का देखा है कड़क हो जाता है, कड़क क्यों हो जाता है, उसको हिला पाना मुश्किल होता है, हिला पाना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी के सारे कैल्शियम डिपॉजिट्स रुक जाते हैं, समझ में आया, ब्लड से कहीं भी कैल्शियम जा नहीं पा रहा होता, जब मसल को जब कैल्शियम पहुंचेगा ही नहीं तो वो हिलने का भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं तो तुम ऐसे डेड बॉडी का हाथ वाथ ऐसे हिला पाते हो ना, लेकिन नहीं हिला पाते हैं, ठीक है, तुम हिला सकते हैं अगर वो मूव कर पाता, लेकिन कैल्शियम डिपॉजिट जहां भी होते हैं वहीं के वहीं रुक जाते हैं, कैल्शियम क्या होता है वहीं पे बैठ जाता है, मसल तक तो कैल्शियम नहीं पहुंचता तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता, समझ में आया, ये चीजें होते हैं। तो मेन क्या है, कैल्शियम है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम नहीं, कोई रोल नहीं, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, तो चार हार्मोन होते हैं क्या, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन, साइटोकाइन्स, और ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइन और इथाइलिन एसिड जो भी बोलते हैं तुम, ठीक है, तो देखते हैं, ऑक्सिन्स, देखो पहले ही ऑप्शन आ गया यार, ठीक है, ऑक्सिन्स और गिबरेलिन्स क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, और साइटोकाइन और एब्सेसिक एसिड क्या थे, दैट इज प्लांट ग्रोथ रिटार्डर्स, मतलब वो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, ऑक्सिन, गिबरेलिन प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, तो ऑक्सिन पहले ही आंसर आ गया, इंसुलिन बॉडी में निकलता है, थायरोक्सिन बॉडी में निकलता है, एड्रिनल बॉडी में निकलता है, पूछा कहाँ पे, प्लांट हॉर्मोन, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कोऑर्डिनेशन, प्लांट के कोऑर्डिनेशन का इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, जल्दी जल्दी एमसीक्यू का जो इसका है सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ, कोई बताना चाहेगा, मैं देख लेते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इट कैन इन्वॉल्व ग्रोथ मूवमेंट, इट इज जनरली स्लोअर देन द एनिमल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्या है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट कोऑर्डिनेशन, नॉट नॉट पूछा है, ठीक है, तो क्या है, ऑब्वियसली बात है, प्लांट में किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की कहानी है सब ह्यूमंस तक जा रही है, तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है, क्या है, इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं इन्वॉल्व होते प्लांट में, ठीक है। फिर क्या है, ट्रोप्सिन, ट्रोप्सिन इज प्लांट रिफर्स टू ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म है यार, ट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, ठीक है, ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, ग्रोथ, ठीक है, समझ में आया, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, अलग अलग ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, समझ में आया, ये होता है, दैट इज वॉलेंट्री मूवमेंट, तो वॉलेंट्री मूवमेंट भी सही लग रहा है, ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, रिफ्लेक्स एक्शन, फोटोसिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसमें ऑप्शन ए सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, लेकिन सारा मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें से, दो ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है बी। अब बोलोगे सर बी क्यों है, ए क्यों नहीं है, अभी तो तुमने बोला मूवमेंट को होता होगा ट्रॉपिज्म, ठीक है, तो वॉलेंट्री मूवमेंट तो ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ये भी है ना, जो प्लांट में जो तुम मूवमेंट पढ़ रहे हो उसके पहले क्या लग रहा है, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब हाइड्रो मतलब पानी, पानी के रिस्पेक्ट में मूवमेंट, प्लांट के, प्लांट का रूट्स का, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मतलब पानी की तरफ जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मतलब पानी से दूर जाएगा, फोटोट्रॉपिक मतलब किसी चीज का स्टिमुला है लाइट के रिस्पॉन्स में, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक लाइट की तरफ मुड़ेगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक क्या लाइट के अगेंस्ट में मुड़ेगा, समझ में आया, ये चीज है, तो क्या है, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है, ग्रोथ बोल लो, मूवमेंट बोल लो, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म इज इन प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्स टू, देखो ऑब्वियसली बात है, फोटो, फोटो मतलब लाइट, ऑब्वियसली बात है, बाकी चीजों का पढ़ना ही नहीं है कुछ, ठीक है। विच हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट, बताओ,
कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन्स क्या थे? ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, अब दो हार्मोन दे दिए, इसमें भी स्पेसिफिक बताना है, दोनों सही दिए है ना, लेकिन इसमें से भी स्पेसिफिक कौन सा है, दैट इज है ऑक्सिन, समझ में आया, सी याद कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुला इन प्लांट, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुला, बताओ क्या होता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुला प्लांट्स में देखने मिलता है क्या? एक्चुअली नहीं देखने मिलता, लेकिन एक प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट में क्या देखने मिलता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई देखने मिलता है, जैसे ही छुओगे पत्तियां बंद हो जाएंगी, ठीक है। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू टच, जैसे ही उसको टच करोगे, तो सही ऑप्शन क्या है? बी। ये सब जो ग्रेविटी है, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, ये फोटोट्रॉपिज्म इमीडिएट नहीं है, धीरे धीरे होगा, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जैसे ही टच करोगे वैसे ही पत्तियां बंद हो जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, द रैपिड क्लोजर ऑफ मिमोसा, अभी अभी मैंने बताया एग्जाम्पल और क्वेश्चन आ गया, मिमोसा लीव्स व्हेन टच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? बी ऑप्शन, ठीक है, कुछ गलत, कुछ डाउट, क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं मैं भूल गया, कर लेना तुम, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट डिफर फ्रॉम ट्रॉपिक मूवमेंट इन दैट दे, क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है? देखते हैं, देयर आर डायरेक्शनल डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन्वॉल्व ग्रोथ टूवर्ड्स एनी फ्रॉम स्टिमुलाई आर कॉज्ड बाय चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। अब बताओ इसमें सही ऑप्शन क्या था? आर डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो गया तो ये तो ट्रॉपिक मूवमेंट ही हो गया ना, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टिमुलाई आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई नहीं होगा नेस्टिक मूवमेंट में, तो सही ऑप्शन क्या है? बी। बाकी ये सी डी, इन्वॉल्व ग्रोथ टुवर्ड स्टिमुलाई, फिर वही चीज है, आर कॉज बाय चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, ये भी स्टिमुलाई है, समझ में आया, तो सही ऑप्शन क्या है? बी, ठीक है। उसके बाद क्या आया? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रिस्पॉन्स टू लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये बताओ, अभी तुमने बोला सर यहाँ पे तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अभी तुमने यहाँ पे भी लाइट का इंटेंस आ रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी की वजह से, लाइट की वजह से स्टमक का मूवमेंट आ रहा है, अभी इसका सही ऑप्शन है नेस्टिक मूवमेंट, बताओ सर अभी नेस्टिक मूवमेंट क्यों सही है? देखो होता क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग एंड स्टोमाटा लाइट से तो हो तो रहा है, लेकिन 100% लाइट के ऊपर नहीं हो रहा है, प्लांट के बॉडी के अंदर कितना वाटर कंटेंट है, कितना वाटर कंटेंट प्लांट में स्टोमाटा में स्टोर्ड है, उसके बेसिस पे होगा क्या? तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर होता है ना, चलो बना के दिखा देता हूँ, स्टोमाटा कैसे दिखते हैं? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है किडनी बीन जैसा, ऐसा कुछ किडनी बीन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये ओपनिंग होती है, समझ में आया, ये क्या होती है, ये ओपनिंग होती है, यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये एक्सचेंज होता कैसे? ऑब्वियस सी बात है, जब ये क्लोज रहेगा तो होगा क्या, ये स्टोमाटा क्या है मैंने बना दिया, ये स्टोमाटा क्या है, ये मैंने क्लोज स्टोमाटा बना दिया, अब ये एक्सचेंज होगा क्या? लेकिन ये ओपनिंग होती कैसी है? ओपनिंग तब होती है जब इसमें क्या होता है, अच्छा खासा वाटर कंटेंट, ठीक है, जब इसमें पानी भरता है ना, स्टोमाटा में पानी भरता है, तो ये क्या करते हैं, ऐसा बेंड हो जाते हैं इस डायरेक्शन में, समझ में आया, इस डायरेक्शन में क्या होता है, इस डायरेक्शन में बेंड होना चालू हो जाते हैं, जैसे ही पानी भरा तो ऑब्वियस सी बात है, ये इधर क्या बनता है, ओपनिंग बनता है, और इधर से गैसेस एक्सचेंज होता है, तो इसको क्या 100% ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट, समझ में आया, सब डाउट क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ प्लांट रूट्स टूवर्ड्स वाटर इज वाटर, वाटर मतलब हाइड्रो, और वाटर मतलब स्टिमुलाई, मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बी, ठीक है, ग्रेविट ग्रेविट्रॉपिज्म रिफर्स टू प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्स टू, अब ये ग्रेविट मतलब ग्रेविटी, सीधी सी बात है, ग्रेविटी की तरह, ठीक है, तो इसको ग्रेविट्रॉपिक नहीं बोलते, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट यूज करते हैं, सही कर लेना, ठीक है, ठीक है। विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन ड्यूरिंग ग्रोथ, अब बताओ सेल इलोंगेशन के लिए कौन सा है? साइटोकाइंस, दो तो एक दो ग्रोथ हार्मोन है ना, साइटोकाइंस और
अरे ऑक्सिन्स और गिबरेलिन्स दो ही तो हॉर्मोन है ग्रोथ के लिए। तो ऑक्सिन क्या कराएगा, एलोंगेशन कराता है, और गिबरेलिन्स क्या आता है, साइड वाइड ग्रोथ कराता है, ठीक है, ऐसा विड्थ बढ़ाता है। तो एलोंगेशन कौन बढ़ाएगा, ऑक्सिन। सही ऑप्शन कौन सा है, ऑक्सिन। बाकी साइटोकाइन, इथाइलिन, ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये ग्रोथ रिटार्डर्स है। और गिबरेलिन्स क्या कराएगा, साइड में ग्रोथ कराएगा, ठीक है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव। सनफ्लावर का नाम कभी सुना है, सनफ्लावर दिया है क्या, रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स, ठीक है, तो किस में देखने मिलता है बताओ। सनफ्लावर का मूवमेंट देखा है, सनफ्लावर जिधर जिधर सन जाता है उधर उधर मूव करता है, तो मेनली वो मूव क्या कर रहा है, उसका फ्लावर मूव कर रहा है कि वो स्टेम मूव कर रहा है, स्टेम ही है ना, स्टेम की वजह से तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखने मिलता है। जिधर पे लाइट आती है उधर से उसका स्टेम स्टेम जाके उधर स्टेम होता है ना। कभी प्लांट को देखा है, प्लांट ऊपर ही क्यों उड़ रहे हैं, ऊपर ही क्यों उग रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों उग रहे हैं, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो क्या मूव कर रहा है, स्टेम उनका, ठीक है। तो नेगेटिव ग्रेविट्रॉपिज्म, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म बोल लेंगे, इज एग्जिबिटेड बाय, ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट किसमें देखने मिलेगा बताओ। प्लांट स्टेम ग्रोइंग अपवर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, इसको भी बना के दिखा देता हूँ यार, ये रूट बना है, ये जमीन बना है, ये जमीन क्या है, जमीन के ग्रेविटी की पॉइंट है, ठीक है, यहां से नीचे जाएगा तो ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, यहां से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी क्या है, नेगेटिव होगा। तो यहां पे अगर तुमने बीज लगाया तो बीज से क्या होगा, रूट्स जमीन के नीचे जाएंगे, जमीन के पास जाएंगे, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, इसके स्टेम तो ऊपर जा रहे हैं ना, इसके स्टेम कहीं इधर से तो निकल नहीं रहे, तो स्टेम ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी ट्रॉपिक बोल दूं तो क्या है, प्लांट स्टेम ग्रोइंग अपवर्ड, ये क्या करेगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ ड्यू टू ग्रोथ, अभी बताओ इसका ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन क्या है बताओ, चलो देखते हैं। द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग द डे, तो क्या है एग्जाम्पल है मूवमेंट ग्रोथ का, नहीं, ठीक है, बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट, देखो आंसर आ गया, ठीक है, लाइट की तरफ बेंडिंग होना, वो बेंड ऐसे ही अचानक नहीं होगा, थोड़ा ग्रोथ होगा तभी बेंड होगा ना, तुम ऐसे बेंड करोगे तो वो सब चीज़ें तो टूट जाएंगी, ठीक है। रैपिड क्लोजर ऑफ मीमोसा, ये भी नहीं है, ठीक है, ग्रोथ की तरफ का मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी नहीं है। वीनस फ्लाई ट्रैप पता है, एक ऐसा कीड़ा होता है जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में उगता है, ठीक है, ऐसे जमीन में उगता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन अपना पूरा जमीन से नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कीड़े खाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसा होता है, कीड़ों के शेप मतलब ऐसा पत्ते शेप होता है, कांटे कांटे लगे रहते हैं, कोई भी वहां पे कीड़ा आता है वो ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी ग्रोथ का एग्जाम्पल नहीं है, सब सही ऑप्शन भी है, ठीक है। हॉर्मोन्स आर द बेस्ट डिफाइंड एज, क्या होते हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल्स, ठीक है, केमिकल से बने होते हैं, केमिकल्स यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, केमिकल मैसेंजर सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, परफेक्ट एग्जाम्पल, बाकी कोई चीज नहीं, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास से निकलता है, पैंक्रियास ऑप्शन दिया है सी, पैंक्रियास दिया हुआ है, ठीक है। थायराइड से क्या निकलता है, थायरॉक्स से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है, एड्रिनलिन निकलता है, ठीक है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, बताओ, अभी बताया इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, जब ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो इंसुलिन रिलीज होता है और शुगर लेवल को कम कर देता है, ठीक है, और जब नहीं निकलता इंसुलिन तो क्या होता है, लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, सही ऑप्शन क्या है, इंसुलिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एड्रिनलिन, बताओ एड्रिनलिन क्या करता है, इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, तुम्हारे सामने शेर आ गया तो क्या, ऑब्वियस सी बात है, क्या करोगे, भाग जाओगे, लेकिन तुम्हें लगता है तुम शेर से तेज भाग जाओगे, हैं, लेकिन भाग जाओगे, क्यों भाग जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे में क्या रिलीज होगा, एड्रेनलिन रिलीज होगा, ये फाइट और फ्लाइट, अचानक से तुम्हारे पैरों के मूवमेंट में क्या, पैरों का मूवमेंट बढ़ा देगा, तुम्हारे पैरों के पास ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देगा, इतनी तेजी से भाग जाओगे कि शेर को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर द फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब निकल लेना, समझ में आया,
उसके बाद क्या है, विच ग्लैंड इज रिफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट रेगुलेट अदर ग्लैंड, सभी मैंने पहले बताया ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिया नहीं है ठीक है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को कट करके हाइपोथैलेमस कर लेना। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड सही ऑप्शन है जो तुम लोग को दिया हुआ है, लेकिन वो है नहीं ठीक है, समझ ले, हाइपोथैलेमस कर लेना ठीक है। ठीक है नया हो नया नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हार्मोन थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है थायरोक्सिन पहले वाले में बताया था ना, थायरॉयड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, थायरोक्सिन ठीक है। तो यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड ए ठीक है। फिर क्या है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। अब बताओ कैल्शियम लेवल कौन मेंटेन करेगा, ठीक है थायरॉयड ग्लैंड के पास ना छोटे छोटे दाने जैसे रहते हैं, ये भी बता देता हूँ चलो। ये बनाया मैंने क्या, थायराइड ग्लैंड डायग्राम थोड़ा टिल्ट हो गया, समझे ऐसा समझना। तो यहाँ पे क्या रहता है ऐसे चार, ठीक है इनको बोलता है पैरा थायराइड हॉर्मोन्स, ठीक है चार ग्लैंड्स होते हैं, एक दो तीन चार। ये पैरा थायराइड हॉर्मोन्स क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को बैलेंस कराने में रोल प्ले करते हैं, समझ में आया क्या कर रहे थे, कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करने में मदद कराते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस चला गया क्या, चलो समझ तो आ गया ना तुमको, मानते हैं समझ में आ गया ठीक है, करा दिया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ कैल्शियम क्या करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन ठीक है। 48, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, ठीक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बियर्ड का ग्रोथ, ये वॉइस का चेंज होना, एडम्स एप्पल का बनना, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, मस्कुलर, ये कौन कराता है, मेल्स में कौन चीज कराता है, मेल्स में कराता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में काम कराएगा ईस्ट्रोजन, लेकिन पूछा क्या है मेल चला, तो सही ऑप्शन क्या है सी टेस्टोस्टेरोन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब बताओ ये चीज क्या होता है, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, उनको डक्ट चाहिए होता है ठीक है, इधर ग्लैंड है इधर ब्लड है तो बीच में क्या रहेगा, डक्ट पाइप चाहिए रहेगा अपने सेक्रेशन को इधर पहुंचाने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, जो डायरेक्टली रिलीज कर देना उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हॉर्मोन सेक्रीट हार्मोन डायरेक्टली, तो डायरेक्टली का कौन सा है एंडोक्राइन बी ठीक है। सलाइवरी सेबिशियस ये तो डायरेक्ट स्किन पर रिलीज करते हैं, ब्लड में तो इनका सेक्रेशन ही नहीं जाता ठीक है। द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज नोन फॉर इट्स रोल इन, बताओ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का पहले सुना है, ऑक्सीटोसिन ये उसको बोलते हैं फील गुड हार्मोन ठीक है, फील गुड हार्मोन, जब भी तुम कुछ अच्छा काम करते हो तो एक तो डोपामिन होता है, डोपामिन ठीक है लेकिन डोपामिन उतना भी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हो ठीक है, तो उसके टाइम पे क्या निकलता है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ठीक है। कभी चॉकलेट खाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, समझा, ये होता है फील गुड हार्मोन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे तो फील गुड का है ऑप्शन ही नहीं दिया सर, अब बताओ क्या काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन एक और रोल प्ले करता है, दैट इज इंड्यूस्ड लेबर एंड लैक्टेशन इन फीमेल्स ठीक है। लेबर, लेबर मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या कराता है, वो कॉन्ट्रैक्शन कौन इनिशिएट करता है, ऑक्सीटोसिन ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इतना पेनफुल एक्सपीरियंस रहेगा तो इस पेनफुल एक्सपीरियंस को क्या करता है, अच्छा बनाने का काम करता है ठीक है। फीमेल से कभी पूछोगे ना कि उनका बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो बोलेंगे गिविंग बर्थ ठीक है, जब वो बर्थ देती हैं तब, क्यों भाई इतना दर्द तो हो रहा है लेकिन क्या ऑक्सीटोसिन रिलीज का, ऑक्सीटोसिन रिलीज निकल रहा है ना बॉडी में, ये ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है फील गुड हार्मोन होता है ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे ही बच्चा पैदा होता है ऑक्सीटोसिन अच्छे से रिलीज हो जाता है ठीक है। तो खत्म ठीक है लास्ट ठीक है, जो भी था सब समझ में आया, कोई डाउट हो तो क्या है इसमें पूछ सकते हो, किसमें दैट इज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मैं इंस्टाग्राम का जो भी है जो भी मैसेंजर वैसेंजर वो मैं डाल दूंगा, उसमें तुम कभी भी चैट में भी कहीं भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट डीएम करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से ये सारे एमसीक्यूज कर लेना, चलो बाय।